नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र में हैं। मेरे साथ बीजेपी प्रत्याशी हरेंद्र सिंह तेवतिया जी हैं। तेवतिया जी, आपका प्रवास साक्षी पर स्वागत है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? जो 5 साल में सरकार ने कार्य किए हैं, उन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं जी। और लेकिन विपक्ष का सीधा सीधा ये कहना है कि 5 साल में कोई काम नहीं हुआ है, और आप कह रहे हैं कि सुरक्षा का माहौल है, सुरक्षा का माहौल नहीं है और रोजगार नहीं है लोगों के पास, महंगाई का आलम है। आपको लगता है कि मुद्दे नुकसान करेंगे? ये इतने हाईवे बन गए, विपक्ष को दिखाई थोड़ी पड़ेंगे जी। अब दिल्ली जाने में यहाँ से कितना समय लगता है जी? विपक्ष से जरा पूछिए कि ये किसने कराए जी, और सुरक्षा 5 साल के पीरियड में कोई किसी की गाय भैंस कोई उठा करके लेके गया है क्या? हमारी माता बहनें और बेटियां इतनी परेशान थी 5 साल के पीरियड में। आप पूछिए विपक्ष से कि दिक्कत है, इस 5 साल के पीरियड से पहले का पीरियड देखिए जी। जी, और अगर हम बात करें इस विधानसभा क्षेत्र की, तो बीजेपी ने यहाँ पर प्रत्याशी बदला, आपको लगता है कि कोई नकारात्मक जो प्रभाव थे उसका असर आपके? ऐसा ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है जी, कि इसके भतीजा भी बेटा भी पोता भी सब इसमें वो करें जी। ये पार्टी सब लोगों की पार्टी है। इसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई एक परिवार चला रहा है जी। जी, और अगर हम देखें इस विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य को देखें, तो कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया से वो बसपा में कांग्रेस में, तो अब आपको लगता है कि इस बार समाजवादी पार्टी और RLD का जो गठबंधन हुआ है वो आपके लिए चुनौती है? पहले भी गठबंधन हुआ था इससे पहले, वो भी आपने देखा था जी, तो उसमें कितनी सीटें आई, क्या हुआ जी, तो ये तो आप सामने गठबंधन पहले भी कर चुके हैं जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और गढ़मुक्तेश्वर की बात करें, तो चाहे जाम की समस्या हो, सीवर की समस्या हो और रोडों की समस्या हो, ये यहाँ पर लोग बताते हैं कि कुछ समस्याएं हैं जिनको अभी निदान किया जाना बाकी। नहीं, थोड़ा बहुत अगर रह रहा होगा उसका किया जाएगा। नहीं, रोड तो आप देखिए, पूरे हिंदुस्तान में रोड हाईवे इतने बना दिए जी, ये कहाँ से बन गए, कैसे बन गए, पहले किसी ने बनाए थे क्या जी? और एक चीज़ और आ रही है, विपक्ष ने कह रही है कि जैसे जैसे मतदान की तिथि नज़दीक आ रही है, बीजेपी हिंदुत्व का राष्ट्रवाद का मुद्दा उठा रही है, जबकि ये मुद्दे चुनाव में नहीं होने चाहिए। अरे उसमें क्या बात है, हिंदुस्तान है, मुद्दे इसमें कौन सा मुद्दा उठा रही है जी? हिंदुस्तान है, हिंदुओं का मुद्दा नहीं उठाएगी, और किसका मुद्दा उठाएगी जी? हिंदुओं का मुद्दा। अच्छा, गढ़मुक्तेश्वर में पूरे देश भर से लोग आते हैं यहाँ पर, खासतौर पर तीर्थ स्थल है ये। वैसे ये पार्टी ऐसी नहीं है, ये सब समाज, एक बात बताइए, ये कह रहे हैं हिंदुओं का मुद्दा उठा रही है जी, राशन बट रहा है जी, सभी को मिल रहा है जी, मैं मुस्लिम गाँव में भी जा रहा हूँ, वो सब इतने खुश है, कह रहे हैं यहाँ राशन मिल रहा है, सबको मिल रहा है, सिलेंडर मिले सबको मिले, हिंदुत्व का मुद्दा कौन सा उठा रहे हैं? ये पार्टी सबके लिए कार्य कर रही है जी, ये विपक्ष बौखलाया घूम रहा है जी, इन्हें कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है जी, इसलिए ये ऐसी बातें कर रहे हैं जी। अभी हाल ही में किसान आंदोलन चला था, आपको लगता है कुछ नाराजगी है इस क्षेत्र में? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी गांव में जा रहे हैं, आपको समर्थन मिल, गांव में पूरा समर्थन मिल रहा है, सब एक तरफा वो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इतने कार्य किसी ने नहीं किए, कुछ ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिला जैसा अब तक, जब से देश आजाद हुआ है ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिला। लेकिन योगी जी के बारे में अखिलेश यादव कमेंट कर रहे हैं कि बाबा को कुछ पता नहीं है, बाबा को कुछ आता नहीं है। वो उनका अपनी सोच है, बाबा को कुछ नहीं आता है, तो ये पब्लिक क्यों उनके पीछे घूम इतनी ज़्यादा जी, जी, कुछ आता होगा तभी तो जी। अंतिम सवाल आपसे, विधायक के तौर पर निर्वाचित होते हैं, तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या कार्य रहेंगे क्षेत्र में? गढ़मुक्तेश्वर को हरिद्वार की तर्ज पर बनाने का कार्य रहेगा। बड़ी बात है, बड़ा वादा किया है जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उन्होंने, कि गढ़मुक्तेश्वर को हरिद्वार की तर्ज पर विकसित करेंगे। देखना होगा कि परिणाम क्या रहता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी देश सुनिए खबरों के लिए बने रहे हैं प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।